तो लेडीज एंड जेंटलमैन प्रेजेंटिंग दादी का दुलारा इंडिया का उभरता सितारा बालोतरा राजस्थान से पीयूष पनवर। गाना गाने से पहले यार हमने ये देखा था थिएटर राउंड में आपकी दादी ने बहुत ही प्यारा वॉइस नोट भेजा था। मैं आज उस जगह देखकर मेरी आंखें नम हो गई है और मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ रहेगा। सबसे पहले तो मैं इंडियन आइडल को बहुत 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 थैंक यू कहना चाहूँगा कि उनकी वजह से मैं मेरी दादी की आवाज़ सुन पाया। लेकिन मैं जब थिएटर राउंड से सेलेक्ट होके जैसे ही ऑन द वे यहीं से मैं फिल्म सिटी से बाहर निकला एंड इतने में सडनली फ़ोन आया घर से कि शी इज़ एक्चुअली नो मोर। Are you serious? आज मेरी बॉडी में शायद एवरी सेल मैं कहूंगा कि वो उन्हीं का है क्योंकि एक एक टीचिंग एक एक मुझे बनाने वाली बेसिकली वही हैं। सच में वो ट्रू डिवोटी थी म्यूजिक की, सिर्फ म्यूजिक 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 हमेशा म्यूजिक करती रहती थी। श्रेया मैम थैंक यू सो मच फॉर गिफ्टिंग मी दैट वॉइस नोट। आई एम सो ग्रेटफुल टू यू। और एक ब्यूटीफुल सा वीडियो उनका मिला मुझे। सो सॉरी। बहुत सुंदर सा वीडियो मेरे भाई ने उस वक्त बना लिया था जब वो मुझे फोन पे देख रही थी आइडल के मंच पे गाते हुए एंड बस वही एक लास्ट स्वीट सी मेमोरी है जो उनके साथ मेरी हुई है। एहसान तेरा होगा मुझ पर दिल चाहता है वो कहने दो मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे पलकों की छाँव में रहने दो एहसान तेरा होगा मुझ पर। पीयूष आज का परफॉर्मेंस ना इतना दिल से गाओ कि मतलब दादी आपको आपके साथ ही है वो आपको बहुत खुशी देखना चाहती है आपको अच्छा करते हुए देखना चाहती है। बिल्कुल मैम। आगे और भी उनका नाम रोशन करो पीयूष। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। बिल्कुल लो।
के आई है बीते दिनों की किताब, जिंदगी लेके आई है बीते दिनों की किताब, घेरे अब हमें यादें गाने में तुमने अपना दिल एकदम पूरी तरह से देखे गाया यार। थैंक यू मैम। वो बात पहुंच गई जिनको पहुंचानी थी। थैंक यू पीयूष, थैंक यू फॉर दैट वंडरफुल वंडरफुल परफॉर्मेंस माय फ्रेंड। थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद यार। थैंक यू एवरीवन, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स फॉर पीयूष। Presenting, ladies and gentlemen, Dadi ka Dulara, music ka ubharta sitara, Balodra, Rajasthan se Piyush Panwar. आंखें तेरी
जैसे आपने मौला मेरे मौला गाया, जिस किस्म की गायकी इसमें रूप कुमार साहब ने दी है एज अ कंपोजर, उसका जो मूल, उसकी जो पहचान है कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी मिट्टी से जुड़ा है वो ही इस गाने को निभा सकता है। मुझे लगता है कि वो मिट्टी की खनक आपके अंदर कूट कूट कर भरी हुई है। थैंक यू सर। आप सिर्फ अपने परिवार का नहीं, सिर्फ अपने दादी जी का नहीं, बल्कि पूरे देश का नाम आप ऊंचा करोगे। Thanks a lot. पीयूष ने आज के मिथुन के कंपोज्ड गानों में से सबसे कठिन गाना चुना है। इसके नोट्स बहुत लंबे हैं। आंखें तेरी यहाँ तक लाना है लाइव परफॉर्मेंस में, ये करना कुछ ऐसे ही बाएं हाथ का खेल था आज आपके लिए, बहुत कमाल। बट अब मुझे इसके आगे एक रॉक स्टार पीयूष भी देखना है, लेदर जैकेट वाला पीयूष भी एक दिन मुझे देखना है। 100%। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।